बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट पेश करते हैं। अभी तक की खबरें। बहादुरगढ़ शहर में 8 नवंबर बुधवार को रेलवे रोड काठमांडू पर स्थित गोकर्ण धर्मशाला में श्री विश्वकर्मा धर्मार्थ धर्मशाला समिति काठमांडू में विश्वकर्मा दिवस व गोवर्धन पूजा के अवसर पर अन्नकूट का प्रसाद वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं विश्वकर्मा दिवस व अन्नकूट कार्यक्रम के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई और हवन भी किया गया। वहीं विश्वकर्मा दिवस पर सभी कारीगर अपने अपने औजारों की पूजा भी की और भगवान विश्वकर्मा की आराधना करता है। वहीं इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। वहीं अन्नकूट प्रसाद वितरण कार्यक्रम के संयोजक श्री विश्वकर्मा धर्मार्थ धर्मशाला समिति बहादुरगढ़ के सुरेंद्र मैनेजर गौर राजेंद्र, वेद प्रकाश पिठोलिया, सुरेश धर्मवीर डाबोदिया, सतीश कुमार अशोक, सतवीर नित्यानंद, महेश रमेश टोला, सूर्यकांत बल्ले, अनिल कुमार, हरीश जांगड़ा, संतराम मुकेश नानी, राजेंद्र दीपक जांगड़ा, रोहित राम कुमार आदि सभी सदस्य मौजूद रहे। मेरा नाम अनिल जंगड़ा है। आज जो कार्यक्रम किया गया, क्या कार्यक्रम है? ये विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। हम हर वर्ष की बात ही इस दिन अंकुट का आयोजन करते हैं, फिर वो प्रसाद सभी में बढ़ते हैं। सभी काठमांडू निवासी मिलजुल के इस प्रोग्राम को करते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा भाव जैसा भी होता है वो उसमें देते हैं, उसके बाद बनाया जाता है और जी आज जो कार्यक्रम किया गया है, क्या कार्यक्रम है? ये हमारा विश्वकर्मा जयंती का प्रोग्राम होता है। यहाँ भंडारा लगाते हैं, हम विश्वकर्मा जी की पूजा होती है, फिर उसके अपने औजारों की पूजा करते हैं और फिर अपने यहाँ प्रसाद वितरण करते हैं अन्नकूट का। और यहाँ काठमंडी वाले वासियों का योगदान रहता है इसमें, सारी काठमंडी का नई बस्ती से भी आदमियों का योगदान है। और ये पूरा प्रसाद वितरण किया जाएगा, ये विश्वकर्मा डे मनाया जाता है।